नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नेताओं की जैसे लाइन लगी हुई है, लेकिन अब इस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान आया है। दरअसल भोपाल में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़कर नेता कांग्रेस में लगा जा रहे हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि ज्यादातर वो नेता ही इसमें शामिल क्यों हैं जो कुछ साल पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और अब एक बार फिर से वो कांग्रेस जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये सवाल था उन नेताओं के लिए, उन सिंधिया समर्थक नेताओं के लिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन अब जब चुनाव सर पर है तो वो सभी एक बार फिर से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। वीडी शर्मा ने इस पर क्या कहा, पहले वो सुनिए। कई बार तो मैं देखता हूँ कि मुझे मीडिया के किसी मित्र ने पूछा कि वो फलाने वो चले गए पूर्व सांसद थे, तो मैंने कहा वो तो भाजपा में ही नहीं थे, उनको तो भाजपा लोकसभा के चुनाव में पार्टी से बाहर कर चुकी है। अब ऐसे आंकड़ों को लेना चाह करके ये परसेप्शन बनाने का प्रयास हो, हमारा हमें तो आशीर्वाद जो जनता जुड़ रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की व्यापक सदस्यता के अभियान में लोगों की सहभागिता है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा के अंदर भी हम 100% एक्यूरेट हैं। समाज है, मनुष्यों के संगठन है, कोई प्लस माइनस, किसी का मन, किसी का स्वार्थ, किसी को चुनाव, पार्टी तो चुनाव एक व्यक्ति को ही देगी, तो ऐसी कभी कोई चीजें एक आध दो जगह चार जगह हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम में और अपने कार्यकर्ताओं का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी का वो अडिग है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लगातार इसको लेकर के आगे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो अपने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को सुना, बीडी शर्मा ने साफ कहा कि ये दुखद है जब लोग छोड़ करके जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कई बार एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है ये बता करके कि फला नेता जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गया है वो किसी बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है या उसका बड़ा समर्थक है, ऐसा है नहीं। बीडी शर्मा ने यहां तक कहा कि कई नेता जो पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में गए हैं जिन्हें वो ठीक से जानते नहीं है और कई साल पहले भी पार्टी जो है उन्हें निष्कासित कर चुकी है, ऐसे नेता भी अपने नाम के साथ भाजपा के नेताओं का नाम जोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लोग आ भी रहे हैं लेकिन हम कांग्रेस की तरह ढिंडोरा नहीं पीटते, ये बातें भी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कही। कुल मिला के देखा जाए तो फिलहाल जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है उसमें एक के बाद एक भाजपा के नेता छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। शनिवार को भी कांग्रेस भाजपा के कुछ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और ये आंकड़ा अब 50 के पार जा पहुंचा है, जहां 50 बड़े चेहरे अब तक भाजपा छोड़कर के पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस में जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ हजारों समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।